यूथ अकाली दल का तरन तारण अज प्रदर्शन उन्होंने वालों किया गया है। पंजाब जहरीली शराब कारण हुई मौतों के खिलाफ इतने मुजहरा देखने को मिले। यूथ अकाली दल वालों तरन तारण अज प्रदर्शन किया गया है। पंजाब जहरीली शराब कारण हुई मौतों के खिलाफ मुजहरा किया गया है। परमपंत सिंह बंटी रोमाणा की अगुवाई हेठ डीसी दफ्तर के बाहर सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई है। पीड़ित परिवार सने अकाली वर्कर वालों इंसाफ की मांग की गई है। पीड़ित परिवार भी इस मौके पर इतने मौजूद सन, जिन्हों वालों दोषियों के खिलाफ जिथे कार्रवाई की मांग की गई उतें ही मुआवजे की भी मांग जो है वो की गई है। पंजाब में जहरीली शराब करके हुई मौतों के खिलाफ है मुजहरा देखने को मिले। परमपंत सिंह बंटी रोमाणा की अगुवाई हेठ डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी देखने को मिली है। पीड़ित परिवार सने अकाली वर्कर वालों इंसाफ की मांग जो है वो की गई है। तो तस्वीर जड़ियां तुसी देख रहे हो तरन तारण तो, जिसे पंजाब सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई है, जिसे पीड़ित परिवार के नाल यूथ अकाली दल इस वेले आन खड़ा होया अते मंग पत्र भी सौंपा गया। कि पंजाब जहरीली शराब के करके 100 तो वध मौतां हो चुकिया ने। आंकड़ा 105 ते पहुंच गया। हजे भी कई लोग जेरे इलाज ने। हालांकि हुण पुलिस वालों कुछ सख्ती करदिया होया कई थावां तो जहरीली शराब जिहड़ी है वह बरामद की गई है। कच्ची लाहण बरामद की गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि किस तरह के नाल धड़ल्ले नाल यह काम चलता रहा तो उस वेले कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जे समा रहिंदिया कोई एक्शन लिया गया हुंदा तां शायद यह जाना बच सकदियां सी। इस वे तस्वीर वेख रहे हो जिथे कि बंटी परमबंत सिंह बंटी रोमाणा की अगुवाई के यूथ अकाली दल की अगुवाई हेठ नाल दी नाल पीड़ित परिवार मौजूद ने, जिन्हों के घर के जिया की इस जहरीली शराब करके मौत हुई है। सो एक गरीब परिवारिक मैंबर जिथे सरकार तो इंसाफ की उड़ीक कर रहे हैं, दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। दस दिए कि जिस नाल यह घटना वापरी है जिथे कि विरोधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं, पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हुण सरकार के अपने ही नुमाइंदे अपने ही आगू भी सरकार की कारगुजारी खास तौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कटहरे के खड़ा कर रहे हैं। चाहिए मुड़के तफ्तीश हो बयान ही नहीं ले रहे दे। तक सिर्फ 304 का मामला दर्ज किया, वह भी इको एक परचे च 150 जान गई है। 14 एक एक्साइज एक्ट होंगी है जिसे परचा दर्ज करता है कि नजायज शराब बेची, नजायज शराब बेची जो बंदे मर गए वह परचा कितने है। लड़ाई लड़ांगे चाहे हाई कोर्ट च लड़नी पवे चाहे सरकार सड़कों से उतर के लड़नी पवे। इन्हों इंसाफ दवाने वास्ते 25 लाख रुपया मुआवजा ते जो बनती कार्रवाई कांग्रेसी आगुआं ते डिस्टिलरिया के मालकां ते ते पुलिस अफसरां ते जिन्ना चिर नहीं हुंदी उन्ना चिर चैन नाल नहीं। हुण कार्रवाई की जा रही है, पुलिस अधिकारी बर्खास्त सस्पेंड कर दिए गए, एक्साइज के अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, अनेकां छोटे छोटे शराब के तस्कर फड़ ले गए, हजारों लीटर लाहन या जहरीली शराब फड़न का दावा किया जा रहा है। तुसीं पुलिस की इस कार्रवाई नूं किस तरह देखदे? तुसीं मैनूं दस्सो जी, SHO सस्पेंड करता, ASI सस्पेंड करता, सिपाही सस्पेंड करते, तो जिहड़ा SSP सी उहनूं तां अमृतसर रूरल आता द्रुव दईए नूं। कातल तो वो है जिदी सरप्रस्ती थले चलिया, जेडे कांग्रेस के MLA है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक्साइज के निके निके अफसर से कार्रवाई हो रही है, तो जोड़ा एक्साइज का मंत्री है वह जिम्मेवार कौन है जी? एक मैनू दसो तुसी, एक्साइज की टीम डैनी दे हल्के पिंड है जलाल उस्मा उत्थे रेड मार दी है 24 तरीक नजायज शराब फड़न वास्ते, उल्टा उस रेडिंग पार्टी से परचा दर्ज कर दिया जाता, फिर अफसर कितों कार्रवाई करे? अज तुहाडे धरने चलदे कुछ परिवारों की FIR दी करन दी गल की जा रही है जो भरोसा दिता गया है कि हुण यूथ अकाली दल बाकी सारे पीड़ित परिवारों की FIR भी इसे तरह करवा। बिल्कुल जी, बयान दर्ज करावांगे हरेक परिवार के, उन्हां बयानां ते FIR दर्ज करने वास्ते FIR लॉज करने वास्ते इन्हां नूं मजबूर कर देंगे इस सरकार नूं। मन्ने जावे कि 104 मौतों के जिम्मेवार लोगों नूं अंदर कराउण तक यूथ अकाली दल का संघर्ष जारी रहेगा? 150 मौतां, 112 के 115 तां सरकारी अंकड़ा आ गया, कई मौतें दबा रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे, कई हार्ट अटैक करने का दावा कर रहे हैं। 150 तो उपर गिणती पहुंच गई है, एक एक परिवार के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाऊगी। यूथ अकाली दल के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाणा जिन्हों की अगवाई के हेठ अज
ਸੋ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਮਨ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।